यूपी चुनाव के लिए आरएलडी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। ये माना जा रहा था कि आज राष्ट्रीय लोकदल अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। हमेशा ही वैसे टारगेट अगर देखें तो किसान रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की समस्याओं को आगे रखती रही है और ये मुद्दा भी हमेशा राष्ट्रीय लोकदल जो ये कहती रही है कि सबसे ज्यादा अगर किसी की हिमायती किसानों की कोई है तो वो है आरएलडी। अभी ये साफ नहीं हो पाया कि इस मैनिफेस्टो में किन किन बातों को प्रमुखता दी गई है या फोकस में कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिनको टारगेट किया जाएगा आरएलडी की तरफ से। तो मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है राष्ट्रीय लोकदल की ओर से अजीत सिंह और जयंत चौधरी, जिन्होंने साथ में इसको जारी किया है। तो मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है आरएलडी की तरफ से और आपको बता दें जिस तरह से अलग से कृषि बजट लाया जाएगा ये बात कही गई है इस मैनिफेस्टो में। हमेशा ही किसानों के मुद्दों को उठाते रही है आरएलडी और इसको ही प्राथमिकता भी दी गई है अपने घोषणा पत्र में, जिसमें कहा गया है कि अलग से कृषि बजट लाया जाएगा अगर सरकार में आते हैं तो एक बार फिर से किसानों और कृषि की बात करती नजर आ रही है आरएलडी। 14 दिनों के अंदर इसको लाने की बात उन्होंने कही है। कई चीजें हैं जिस, लेकिन अगर हम फोकस पॉइंट देखें तो किसान हैं और एक बार फिर से किसानों के दुख दर्दों को, किसानों की समस्याओं को आगे रखती हुई आरएलडी।